गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आज हम स्ट्रिंग के दो प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेदर ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमें एक स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पहली बात, पैलिंड्रोम का मतलब क्या? पैलिंड्रोम का मतलब जिसको आगे से रीड करो और पीछे से रीड करो वो बिल्कुल सेम रहे। जैसे मैडम, आप देख सकते हैं मैडम को एम ए डी ए एम, आपने आगे से रीड करा, अब उसे पीछे से रीड करिए एम ए डी ए एम, दैट मींस रिवर्स और करने पर भी हमें वही प्राप्त हो रहा है जो कि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने पर वही हमें ऑब्टेन हो रहा है जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो पहला प्रोग्राम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेयर ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक, चलिए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है माई एसटीआर, इसको मैंने क्या दिया है मैडम। चलिए मैं यहां पर देता हूं माई एस टी आर इज इक्वल टू, मैंने यहां पर दिया मैडम, एम ए डी ए फिर एम, राइट। ये मैंने एक स्ट्रिंग दी है एम ए डी ए एम, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें मेरे जो लेटर्स हैं कोई लेटर कैपिटल में है कोई लेटर स्मॉल में। तो सबसे पहले जब भी किसी भी स्ट्रिंग को आपको पैलिंड्रोम करना है तो या तो आप उसे अपर केस में ही कन्वर्ट करो या फिर उसे लोअर केस में ही कन्वर्ट करो। दैट मींस या तो आप उसे स्ट्रिंग को अपर केस लेकर चलो या लोअर केस लेकर चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एंटायर स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं या तो लोअर में या अपर में, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे किसमर करना चाहते हैं। लोअर में करना चाहते हैं लोअर फंक्शन का यूज करिए, अपर में करना चाहते हैं तो इसे अपर फंक्शन का यूज करिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे लोअर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। माई एस टी आर इज इक्वल टू माई एस टी आर डॉट लोअर, तो ये मेरी स्ट्रिंग लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई है। एक बात और बताना चाहूंगा, स्ट्रिंग मेरी वही है मैडम, बट मैंने क्या करा है उसको अपर और लोअर केस में कन्वर्ट किया है। यहां पर मैं उसे लोअर लेकर चल रहा हूं, आप उसे अपर लेकर चल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग का रिवर्स निकालूंगा। रिवर्स निकालने के बाद मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग माई एस टी आर और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों की कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं रिवर्स निकाल रहा हूं, मैंने लिखा रिवर्स एस टी आर इज इक्वल टू माई एस टी आर रिवर्स, रिवर्स फंक्शन का यूज करूंगा रिवर्स, और रिवर्स फंक्शन के अंदर पास करूंगा अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग माई एस टी आर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है माई एस टी आर जो कि अब मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया, उसमें चेंज नहीं होगा। रिवर्स फंक्शन मेरे स्ट्रिंग को रिवर्स केस में कन्वर्ट करके एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा, दैट मीन्स एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा, उसमें सभी मेरे जो कैरेक्टर्स होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ओके। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग है मैडम, रिवर्स करने के बाद भी जो स्ट्रिंग आई है वो भी मैडम है, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, दोनों का मेमोरी अलग अलग है। पहला जो मेरी स्ट्रिंग है माई एस टी आर वो है मेरी मैडम, दूसरी मेरी स्ट्रिंग है वो भी है मैडम, लेकिन दोनों का कंटेंट जरूर सेम है लेकिन दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या है अलग अलग है। यहां पर जो माई एस टी आर है वो किसको रेफर कर रहा है, एक स्ट्रिंग को जो मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर है। सिमिलरली रिवर्स स्ट्रिंग जिसको मैंने रेफर कर रखा है आर ई बी एस टी आर से, वो भी एक स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है जो कि मैडम ही है,
लेकिन ये स्ट्रिंग मेमोरी में एक अलग लोकेशन पर है। हाँ मैं मानता हूं दोनों की कंटेंट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का मेमोरी में रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं अब मुझे चेक करना है कि जो मेरी माई स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर है क्या, माई स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर है क्या, मुझे ये चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोनों स्ट्रिंग्स का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से चेक करूं, इफ माई एस टी आर इज इक्वल टू रिवर्स एस टी आर, अगर मैं इसे इस तरह से चेक करूं और आप ये सोच रहे हो कि मेरा आंसर आएगा यस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यहां अगर मैं उन स्ट्रिंग्स के नेम से कंपैरिजन कराऊंगा तो चूंकि यहां पर मेमोरी लोकेशन की कंपैरिजन होगी, पहली स्ट्रिंग माई एस टी आर है जो अलग मेमोरी लोकेशन पर है, दूसरी स्ट्रिंग रिवर्स एस टी आर है जो अलग मेमोरी लोकेशन पर है। हाँ उनका कंटेंट्स बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स दोनों सेम स्ट्रिंग्स को रेफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर ऑक्यूपाइड है। तो अगर मैं लिखूं इफ माई एस टी आर इज इक्वल टू रिवर्स एस टी आर, और फिर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट पैलिंड्रोम, फिर एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, और अब अगर मैं इसे रन करूं, एक मिनट, तो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है। यस माई एस टी आर एक स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है जो कि मैडम है, रिवर्स एस टी आर एक स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है जो कि मैडम है। दैट मीन्स दोनों के दोनों सेम स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर हैं। तो अगर मैं उनको नाम से चेक कराऊंगा इफ माई एस टी आर इज इक्वल टू रिवर्स एस टी आर, तो वो ये कहेगा नो, माई एस टी आर रिवर्स एस टी आर के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेमोरी लोकेशन की कंपैरिजन हो रही है, यहां पर स्ट्रिंग की कंपैरिजन नहीं हो रही है, यहां पर दोनों स्ट्रिंग की कंपैरिजन नहीं हो रही है, यहां पर ये चेक हो रहा है कि वो सेम मेमोरी लोकेशन पर है या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर है। तो यहां पर माई एस टी आर की मेमोरी लोकेशन और रिवर्स एस टी आर की मेमोरी लोकेशन दोनों अलग अलग है, इसीलिए वो एस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन हमें इंफेसाइज करना है कंटेंट्स पर, किस पर? कंटेंट्स पर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, जैसे LIST, मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, MySTR को लिस्ट में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने खुद एग्जाम्पल करके देखा था तब मुझे ये अच्छे से समझ में आया। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया लिस्ट में, तो जब मैं MySTR को, MySTR क्या है, मैडम, लेकिन जब मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ये लिस्ट में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, मेरी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर कैरेक्टर सिंगल कोट्स के साथ कोमा के साथ आएगा, ये लिस्ट बन गई माई एस टी आर की। अब जो रिवर्स एस टी आर है उसकी भी क्या बन गई, लिस्ट बन गई। अब आप देख सकते हैं दोनों के दोनों लिस्ट क्या है, इक्वल है, दोनों की दोनों लिस्ट क्या है, इक्वल है। यहां पर लिस्ट के कंटेंट्स की कंपैरिजन हो रही है कि दोनों की दोनों लिस्ट का कंटेंट क्या है, सेम है, और दोनों की दोनों लिस्ट बनी किससे है, स्ट्रिंग से बनी है। पहले वाली लिस्ट माई एस टी आर से बनी है जो कि मैडम है, दूसरे वाली लिस्ट रिवर्स एस टी आर से बनी है जो कि मैडम है। दैट मीन्स दोनों लिस्ट का कंटेंट तो सेम है, तो अगर कंटेंट सेम है तो यहां पर आएगा गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है
अगर आप स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग और अपनी रिवर्स स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। ये चीज आपको रिमेम्बर रखनी है। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आएगा। सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए लिस्ट में। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो अब आपका आउटपुट आएगा पैलिंड्रोम। आप देख सकते हैं अब आपका आउटपुट आ रहा है पैलिंड्रोम। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग, इसका मतलब है जो मेरी माई एस टी आर, जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है, क्योंकि मैंने उसको आगे से रीड किया, पीछे से रीड किया, दोनों जगह से मेरा आउटपुट सेम आ रहा है। तो बस आपको जो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपको जब भी आप दो स्ट्रिंग की कंपैरिजन कराएंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग की जब कंपैरिजन कराएंगे पैलिंड्रोम में, तो आपको उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उनकी कंटेंट्स की कंपैरिजन होगी और कंटेंट सेम होगा तो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर आप यहाँ चेंज कर देते तो बात अलग है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिखा विनीत, तो अब तो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही नहीं है, अब तो आप खुद ही देख सकते हो, अब तो नोट पैलिंड्रोम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में मुझे क्या करना है, उसको वर्ड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स को सॉर्ट करना है। जैसे प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब इसमें मुझे सबसे पहले, अगर मैं इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा वर्ड्स को लेकर, तो सबसे पहले अल्फाबेटिक आएगा, फिर इसके बाद जो है आपका ऑर्डर आएगा, और इसी तरीके से पहले ए नाम का आएगा, फिर ओ का आएगा, इसी तरीके से वो है सॉर्ट करके आपके सारे वर्ड्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स को सॉर्ट करके डिस्प्ले करना है। वर्ड्स को, जैसे पाइथन एक वर्ड है, प्रोग्राम एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, सॉर्ट एक वर्ड है, वर्ड्स एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, अल्फाबेटिक एक वर्ड है, ऑर्डर एक वर्ड है, तो इन सभी वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही डिस्प्ले करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में स्प्लिट फंक्शन के बारे में अच्छे से बताया था कि स्प्लिट फंक्शन आपका क्या करता है। स्प्लिट फंक्शन आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट करकर एक लिस्ट जनरेट करता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एंड ईच वर्ड ऑफ द लिस्ट इज द स्प्लिट आइटम ऑफ द स्ट्रिंग। Each word or each item of the list is a word of the splitted string. Okay? Split function के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, फिर मैंने आपको join के बारे में भी बताया। एक बार आप वो video देखिएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले split function का use करके मुझे क्या करना है, एक list generate करनी है। फिर उस लिस्ट को, फिर जो मेरे पास लिस्ट आएगी, फिर उस लिस्ट को मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए माई एस टी आर इज इक्वल टू, एग्जाम्पल अलग ले लेते हैं। माई नेम इज विनीत कुमार गुप्ता। पाइथन इज माई पैशन। पाइथन इज माई पैशन। पाइथन इज माई पैशन। एक सेकेंड। पाइथन इज माई पैशन। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं, ब्रेक डाउन द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड। मुझे
इस स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना है लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। आई विल यूज स्प्लिट फंक्शन। ओके, तो माई एस टी आर ली थी मैंने, अब स्प्लिट या स्प्लिट लिस्ट ले लीजिए, नाम कुछ और ले लीजिए, नाम तो इट्स यूजर चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं। स्प्लिट लिस्ट इक्वल टू माई एस टी आर डॉट स्प्लिट, माई एस टी आर डॉट स्प्लिट। एक बात और बताना चाहूंगा, माई एस टी आर फंक्शन पर आपने स्प्लिट फंक्शन को इन्वोक किया है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स माई एस टी आर में कोई चेंज नहीं होगा। यह स्प्लिट फंक्शन माई एस टी आर पर कॉल हुआ, माई एस टी आर में हर एक वर्ड को लिस्ट में स्टोर करेगा स्प्लिट करने के बाद, लेकिन जो माई एस टी आर है वो आपकी सेम रहेगी, उसकी कंटेंट्स पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये आपकी स्ट्रिंग में वर्ड्स को लिस्ट में स्टोर कर देगा और असाइन कर देगा, एक लिस्ट जनरेट कर देगा। कहने का मतलब है कि ये स्प्लिट फंक्शन आपके स्ट्रिंग में से हर एक वर्ड्स को लेकर एक लिस्ट जनरेट करेगा और उस लिस्ट को असाइन कर देगा किसको, स्प्लिट लिस्ट को। ये नाम है, ये इट्स यूजर चॉइस, आप यहां पर एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो स्प्लिट फंक्शन लिस्ट जनरेट करेगा वो किस फॉर्म में होगी, माई फिर नेम फिर एज फिर विनीत फिर कुमार फिर गुप्ता फिर पाइथन इज माई पेशन। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट स्प्लिट लिस्ट, स्प्लिट लिस्ट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं लिस्ट जनरेट हुई है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, माई फिर एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, विनीत एक वर्ड है, कुमार एक वर्ड है, गुप्ता एक वर्ड है, पाइथन एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, फिर आई के बाद सॉरी इज है ये एक वर्ड, फिर माई फिर पेशेंट, पाइथन इज माई पेशेंट। तो दैट मीन्स दिस इज ए लिस्ट ऑफ स्प्लिटेड वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, बट द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं माई एस टी आर, तो माई एस टी आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माई एस टी आर मेरी बिल्कुल सेम, दैट मीन्स जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो मेरी बिल्कुल सेम। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको हटा दो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब जो ये मेरी स्प्लिट लिस्ट आई है इसको मुझे सॉर्ट करना, पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा, और लिस्ट को मैं सॉर्ट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल, आई कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन लिस्ट, आई कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन लिस्ट, I can update the contents of the list, I can delete the contents of the list, I can change the content of the list, I can append the contents of the list. Lists are mutable. I can sort the list also, right? तो ये जो मेरी list इस तरीके से show हुई है, अब मुझे इसे sort करना है। तो sort करने के बाद जो ये मेरे words हैं, ये किस order में आएंगे? Alphabetically order में आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको sort करता हूँ। Split list dot sort, ओके, split list dot sort, मैंने इसको sort कर दिया, और sort करने के बाद मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, दोबारा से मैं split list को display करूंगा, तो अब ये मेरी sort के साथ display होगी। आप देखिए पहले गुप्ता आ रहा है, फिर is आ रहा है, फिर is, फिर कुमार, फिर माई, फिर name, फिर passion, फिर python, फिर bin, आप देख सकते हैं हर word अपने alphabetically order के साथ आया, ओके। लेकिन प्रोग्राम मेरा क्या है, मुझे इन वर्ड्स को डिस्प्ले करना है, क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब आपका प्रोग्राम बहुत सिंपल बन गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने लिस्ट को आइट्रेट किया था, लिस्ट के आइटम्स को क्या किया था, डिस्प्ले किया था, किसका यूज करके, फोर लूप का यूज करके, तो बस अब आपको इस जो मेरी ये स्प्लिट, जो मेरी सॉर्टेड स्प्लिट लिस्ट है,
इसके आइटम्स को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो डेफिनेटली यू विल यूज द फॉर लूप, यू विल यूज फॉर लूप, यू विल आइट्रेट ओवर द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग फॉर लूप, एंड व्हेन यू आइट्रेट ओवर द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग द फॉर लूप, दैट ऑल द आइटम्स विल बी डिस्प्ले एज वी डिड इन द लिस्ट व्हेन आई वाज टीचिंग यू लिस्ट लेक्चर। लिस्ट में हमने किस तरह से आइट्रेट किया था, फॉर लूप का यूज करके लिस्ट के आइटम को डिस्प्ले किया था, सिमिलरली वही काम हम यहां पर करें, ठीक है। तो चलिए फॉर लूप का यूज कीजिए, फॉर एक्स इन स्प्लिट लिस्ट, स्प्लिट लिस्ट, फॉर एक्स इन स्प्लिट लिस्ट, तो क्या होगा, जो स्प्लिट लिस्ट है आपकी, सॉर्टेड स्प्लिट लिस्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, सॉर्टेड स्प्लिट लिस्ट, जैसे कि गुप्ता इज कुमार माई माई नेम पेशन, ये जो ये सॉर्टेड स्प्लिट लिस्ट है, इसमें से हर एक लिस्ट का आइटम किसको असाइन होगा, एक्स को, क्योंकि लिस्ट आर इंडेक्स्ड, लिस्ट आर इंडेक्स, तो ये जो गुप्ता है ये जीरो इंडेक्स नंबर पर है, सबसे पहले ये किसको असाइन होगा, एक्स को असाइन होगा, तो प्रिंट एक्स, तो पहले क्या प्रिंट होगा, गुप्ता, फिर इज किस इंडेक्स नंबर पर है, वन इंडेक्स नंबर पर है, ये किसको असाइन होगा, एक्स को, तो फिर क्या प्रिंट होगा, इज, फिर टू इंडेक्स नंबर पर दोबारा से इज है, ये एक्स को असाइन होगा, फिर इज प्रिंट होगा, फिर जीरो वन टू थ्री, थ्री इंडेक्स नंबर पर कुमार है, ये एक्स को असाइन होगा, प्रिंट होगा, तो इस तरीके से हम लिस्ट के आइटम को आइट्रेट करेंगे फॉर लूप का यूज करके, और हर वर्ड्स को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और हर वर्ड हमारा किस ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी माय आउटपुट, आप देख सकते हैं, गुप्ता इज कुमार माई माई नेम पेशन पाइथन विनी, आप देख सकते हैं जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, उस ओरिजिनल स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स किस ऑर्डर में डिस्प्ले हुए हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले हुए हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग माई एसटीआर थी, उसके सारे के सारे वर्ड्स किस ऑर्डर में डिस्प्ले हुए हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डिस्प्ले हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा स्ट्रिंग टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारे डाटा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करेंगे थोड़ा सा एडवांस पाइथन की ओर, दैट मींस पाइथन का एडवांस पार्ट, जिसमें हम मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे, हम डाटा फाइल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे, हम नंपाई डिस्कस करेंगे, हम पाइपलॉट डिस्कस करेंगे, और भी हम काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डाटा फ्रेम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करेंगे एडवांस पाइथन की ओर। जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब पर, सारे के सारे लेक्चर्स मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाकर बनाए, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, कोई सा भी टॉपिक, इवन अगर आप डाटा टाइप को भी लेते हैं, तो मैंने डाटा टाइप को भी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को डेप्थ में डिस्कस किया है। आप भी डेप्थ में जाकर ही मेरे हर लेक्चर को फॉलो कीजिए और आपके अपने नोट्स को बनाते रहिए। एक बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे ऑथेंटिक लेक्चर हैं, और मेरा जो कंटेंट्स है वो 100% ऑथेंटिक कंटेंट्स मैंने लिया है, राइट। फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने 100% ऑथेंटिसिटी के साथ अपने लेक्चर्स को डिजाइन किया। तो डियर स्टूडेंट, आगे मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, एडवांस पाइथन का बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस पाइथन की ओर मूव करेंगे। ये टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको एडवांस पाइथन में बताए, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।